नागरिकता संशोधन कानून पर आम आदमी पार्टी की भूमिका बेहद ही शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी ने शरणार्थियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले इस बिल को धार्मिक रंग देकर समाज में उन्माद फैलाने का काम किया। पहले तो आम आदमी पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में इस बिल का विरोध किया, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो किया वो भारतीय राजनीति के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इस बिल पर जनता के मन में भ्रम फैलाने से लेकर युवाओं को भड़काने, दिल्ली को जलाने, दंगाइयों का साथ देने और उन्हें बचाने में शर्मनाक भूमिका निभाई है। केजरीवाल को जिस दिल्ली की जनता ने शांति, सौहार्द और विकास के लिए चुना था, उन्होंने उसी दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया। इस चिंगारी को आम आदमी पार्टी के हर एक नेता ने हवा दी है। स्वयं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? जबकि सीए के नियमों में साफ है कि इस कानून के तहत उन्हीं लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। इस आधार पर केजरीवाल का ये बयान न सिर्फ गलत बल्कि भ्रामक भी है। इसी तरह आम आदमी पार्टी का एक छात्र नेता कासिम उस्मानी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपकी स्टूडेंट विंग CYSS का उपाध्यक्ष है, उसने सबसे पहले जामिया यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए उसकी कॉपियां जलाईं और लोगों में नफरत फैलाने का काम किया। दिल्ली पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में उस्मानी के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके बाद दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आप विधायक अमानतुल्ला खान ने एक विरोध प्रदर्शन बुलाया था। इस रैली में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और लोगों को उकसाते हुए कहा कि आज NRC और कैब आया है, कल ये दाढ़ी, टोपी, अजान, बुरका सब बैन कर देंगे। इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के कारण भीड़ उग्र हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में जगह जगह हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली। हद तो तब पार हो गई जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठी खबर फैलाते हुए ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस ने ही DTC की बसों में आग लगाई थी। जबकि मीडिया द्वारा की गई पड़ताल में साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया का ये आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि पुलिस ने बस में पानी डालकर उसे जलने से बचाया था, न कि जलाया था। मनीष सिसोदिया की ये हरकत बेहद गैर जिम्मेदाराना है। एक शिक्षा मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने दिल्ली के लाखों छात्रों को इस मुद्दे पर समझाने के बजाय आग में घी डालने का काम किया है, और इस बारे में उन्होंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, न ही अपना झूठा ट्वीट डिलीट किया। जामिया की हिंसा के बाद दिल्ली के सीलमपुर में कई हिंसा और आगजनी की घटनाएं देखी गईं। इस घटना में आप विधायक हाजी इशराक की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक सीलमपुर में प्रदर्शन के दौरान जैसे ही हाजी इशराक घटना स्थल पर पहुंचे, उसके कुछ समय बाद ही हिंसा शुरू हो गई। हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दंगाइयों को बचाने के लिए इशराक वकील लेकर पुलिस स्टेशन भी पहुँच गए थे। अब ये सवाल है कि उन दंगाइयों का आम आदमी पार्टी से ऐसा क्या रिश्ता था जो उनकी फिक्र हाजी इशराक को सता रही थी। इस सब के बाद भी जो कमी रह गई थी वो केजरीवाल सरकार ने दंगाइयों को मुआवजा बांटकर पूरी कर दी है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में दंगा करते हुए मारे गए दंगाइयों को केजरीवाल सरकार ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जो दंगाइयों के लिए एक प्रकार का जीवन बीमा है। अब आप देश के चाहे जिस कोने में दंगे कीजिए, आम आदमी पार्टी का हाथ आपके साथ। सिर्फ सत्ता मोह और वोट बैंक की राजनीति के लिए केजरीवाल जिस दिल्ली को लंदन बनाने की डींगे हांकते थे, आज वो उसी दिल्ली को जलाने पर आमादा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीट हारने के बाद ये बयान दिया था। एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में केजरीवाल ने जो कहा वो देखिए, देखते हैं क्या होता है। दरअसल चुनाव के 48 घंटे पहले तक 7 सीट लग रही थी
कि आम आदमी पार्टी को आएंगी। आखिरी वक्त पर पूरे मुस्लिम वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गए। केजरीवाल अब आगामी विधानसभा चुनाव में उसी वोट बैंक को हासिल करने के लिए दिल्ली में अराजकता और सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली वालों की खून पसीने की कमाई को देश भर के दंगाइयों में बांट रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। आगामी चुनाव में केजरीवाल को दिल्ली वाले करारा जवाब देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ये दिल्ली की पब्लिक है, ये सब जानती है।